G20 का कश्मीर में होना ये गौरव की बात है, ये कश्मीर के भाग्य को बदलने की बात है। कश्मीर में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास व विश्वास का वातावरण पैदा किया है, जिससे आज वहां लोगों का लोकतंत्र पे विश्वास बढ़ा है, लोग वोट करने के लिए लाखों की तादाद में बाहर आए और वहीं 2 करोड़ पर्यटक पिछले वर्ष वहां गए। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, ये इंटरनेशनल इवेंट वहां तरक्की लाएगा, वहां उद्योग लाएगा, वहां विकास लाएगा और निश्चित रूप से ये इंटरनेशनल इवेंट जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल टूरिज्म भी लेके आएगा। ये परिवार जिनका आप नाम ले रहे हैं, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और नेहरू गांधी परिवार ने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बना दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे टूरिज्म कैपिटल बनाया है और आज इन तीनों परिवारों की अलगवाद की दुकान, लड़ाने की दुकान और पाकिस्तान चाइना का गाना बंद हो चुका है। जनता वहां इन्हें सुनना नहीं चाहती। सर, नहीं, देश की टैक्स पेयर के मनी से बने लगभग 150 संस्थानों का नाम जिस कांग्रेस पार्टी ने गांधी नेहरू परिवार के नाम पर रखा, जाइए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, राजीव गांधी खेल रत्न, वो कांग्रेस आज प्रश्न कर रही है। स्पीकर ने प्रधानमंत्री जी को बुलाया, प्रथम सेवक वहां जा रहे हैं और कांग्रेस की आदत बन चुकी है हर चीज में कुछ ना कुछ अडंगा डालने के। पहले ये विरोध करते रहे, बन क्यों रहा है, अब बन गया तो विरोध। अरे लोकतंत्र का मंदिर बना है, सभी पार्टी के लोगों को उसमें बैठना है, आपको सहयोग देना चाहिए और सराहना करनी चाहिए कि निश्चित समय में लोकतंत्र का मंदिर देश को समर्पित हो रहा है। पान उनको सद्बुद्धि दे, देश तोड़ने वाले संगठन PFI, जाकिर नायक, देश के खिलाफ विष फैलाने वाले लोग, देश के अंदर दंगे भड़काने की कोशिश करने वाले लोगों की तुलना वो भारत माता की जय कहने वाले बजरंग दल के साथ कर रहे हैं। दुखद है और उन्हें ये बयान तुरंत वापस लेना चाहिए। ये केवल एक पॉलिटिकल टूरिज्म है। भानुमती का कुनबा जोड़ा जा रहा है, हताश निराश वंशवादी भ्रष्टाचारी मिलकर गठजोड़ बनाना चाह रहे हैं और गठजोड़ की इच्छा है कि देश के अंदर एक कमजोर सरकार आए ताकि टुकड़ों टुकड़ों में सरकार को बांटकर वो भ्रष्टाचार कर सके। पर देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तगड़ी सरकार चाहती है। अब उनकी लंगड़ी सरकार लाने की इच्छा, उनकी लंगड़ी सरकार लाने का मुंगेरी लाल का सपना पूरा नहीं होगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में एक तगड़ी सरकार तीसरी बार आएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।